गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस एन अदर एग्जाम्पल रिलेटेड टू सिंपल ट्रस, एंड आई थिंक द फिगर इज गिवन ओवर हियर। एंड इन दिस फिगर द डी सपोर्ट एंड ई सपोर्ट्स आर एलोकेटेड ओवर हियर, एंड वेयर एट पॉइंट ए द 100,000 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट आई एम सेइंग, some forces are acting in this diagram are shown as at point A 1000 newton force is acting in downward direction, at point B 1000 newton force is acting in downward direction, and at point C 1000 newton force is acting in downward direction in this way. Okay, now 1000 न्यूटन ये आपके ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री एंगल एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री एंगल। इट मीन द एंगल इन बिटवीन द मेंबर ए बी एज वेल एज मेंबर ए सी आर गिवन हियर, दैट इज 30 डिग्री, एंड द एंगल इन बिटवीन द सी मेंबर एंड सी डी मेंबर इज 60 डिग्री इज गिवन ओवर हियर। सो what the question is saying, the question is saying that we have to find out the value of the force in each member 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे छः members के अलावा हमको क्या करने होंगे, force की value जो है calculate करनी है, ठीक है। सारे के सारे members के अलावा force की value calculate करनी है, ठीक। इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट से। और मेथड ऑफ जॉइंट को आपको पता है कि मेथड ऑफ जॉइंट में आप एक हर जॉइंट पे क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लगाएंगे, तो मान लो आप डी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, तो डी पॉइंट पे जितने भी फोर्सेज होंगे उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सिग्मा एच क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और सिग्मा वी क्या कर देंगे, वो जीरो कर देंगे, ठीक। फिर पॉइंट ए पे लगाएंगे और पॉइंट सी पर लगाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, जॉइंट ए से, यहाँ से। तो जॉइंट ए पे हम सबसे पहले एफ बी डी बनाते हैं जॉइंट ए की। तो जॉइंट ए पे एफ बी डी बनाते हैं, तो जॉइंट ए पर एफ बी डी बना रहे हैं, तो जॉइंट ए पर एफ बी डी बनाएंगे, तो 1000 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक ए सी मेंबर के अलांग जो फोर्स है एफ ए सी लग रहा है, ठीक है, एफ ए सी, और एक ए बी मेंबर के अलांग फोर्स लग रहा है एफ ए बी। तो दो फोर्सेज हैं, और हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जिस पॉइंट पे दो फोर्सेज लग रहे होते हैं उस पॉइंट पे, उस जॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के उन दो अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं। फिर जो ये दो फोर्सेस मिलते हैं वही पहले किसी जॉइंट के लिए अननोन फोर्सेस था, तो इसका मतलब और दूसरे जॉइंट पे भी हमारे नंबर ऑफ़ फोर्सेस कम होके दो फोर्सेस हो सकते हैं। तो हम वहाँ पे फिर क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, ठीक। यहाँ इस क्वेश्चन में हमको एफ ए बी निकालना है और एफ ए सी निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एच और सिग्मा वाई वी जीरो करेंगे, सिग्मा एच जीरो कर दो यहाँ पे और सिग्मा वी जीरो कर दो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ ए सी ऑलरेडी लग रहा है, और एफ ए बी का कॉस कंपोनेंट, एफ ए बी का कॉस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ ए बी कॉस 60, ठीक। तो इसका अल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो। फिर वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लगेंगे, एफ ए बी का साइन कंपोनेंट, एफ ए बी साइन 30, साइन 30, इसका अल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ से हम दो इक्वेशन, दो अननोन होगा हमारे पास, तो हम फिर निकाल लेंगे। एक इक्वेशन सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो से मिल जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, और एक हो जाएगा सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो से, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो दो इक्वेशन और दो अननोन हो जाएगा, वहाँ से हम एफ ए बी और एफ ए सी सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये।
तो एड जॉइंट ए वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ ए बी का कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट, तो एफ ए बी साइन 30 लिख दिया और वो किसके बराबर होगा, 1000 न्यूटन फोर्स के। तो इस तरीके से हम एफ ए बी की वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया, 2000 न्यूटन। ठीक, फर्दर अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एच जीरो करेंगे, सिग्मा एफ एच, तो सिग्मा एफ एच जब जीरो किया है, सिग्मा एफ एच की वैल्यू जीरो किया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उसको, उसका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो अलजेब्रिक सम जीरो हो जाएगा, तो एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए बी कॉस 30 और एफ ए सी इज इक्वल टू 2000 कॉस 30 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से एफ ए सी की वैल्यू आ गई 1732.05 न्यूटन कंप्रेशन। अब हम आते हैं जॉइंट बी पर, ठीक। तो जॉइंट बी पर हम एक काम करते हैं, जॉइंट बी, तो जॉइंट बी पर कितने फोर्सेज लग रहा है, एक तो एफ ए बी लग रहा है और एक एफ बी डी लग रहा है और एक एफ बी सी लग रहा है। तो आई थिंक एफ ए बी आप निकाल चुके हैं, तो अभी इस पॉइंट पे भी दो अननोन हो गए, एफ बी डी और एफ बी सी, दो अननोन हो गए। अब हम इस पे जॉइंट पे जॉइंट मेथड से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन इस जॉइंट पे लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम क्या कर लो, जीरो, तो एफ बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 इंटू कॉस 30 डिग्री और एफ बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कंप्रेशन इन नेचर आ जाएगी। ठीक, फिर सारे फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, उसका अलजेब्रिक सम क्या कर लो, जीरो, तो एफ बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 साइन 30, क्योंकि जो 1000 न्यूटन का जो फोर्स है ये वाला, इसका इस एक्सिस के अलाउंड जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा 1000 sin 30 होगा, तो एफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500 न्यूटन इन टेंशन। फर्दर एट पॉइंट सी, तो सी पे सिग्मा एफ बी जीरो के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमको एफ सी डी की वैल्यू मिल जाएगी 2020.72 टेंशन। ठीक है, सी पॉइंट पे हमें एफ बी डी की वैल्यू मिल गई और एफ सी डी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा एफ एच की वैल्यू जीरो किया हमने, तो सिग्मा एफ एच की वैल्यू जीरो किया तो एफ सी, एफ सी डी कॉस 60 प्लस 866.02 कॉस 60 ये कर लिया, ये वैल्यू आ जाएगी एफ सी की 3175.42 कंप्रेशन। तो इस तरीके से हमने फोर्सेस कैलकुलेट कर लिया और इस फोर्सेस, ये छोटा सा डायग्राम था, आई थिंक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरह यहाँ से टोटल 6 मेंबर थे, कितने मेंबर थे टोटल, 6 मेंबर, और हर एक मेंबर के अलांग हमको फोर्सेस निकालने थे। ठीक है, तो हर एक मेंबर के अलांग फोर्सेस निकालने थे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्सटर्नल फोर्स वगैरह निकाल लिया इसके, उसके बाद हर एक जॉइंट पे हमने एनालिसिस किया, एफ बी डी बनाया और फाइनली जो है हम समराइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये समरी आ जाती है, ए बी के अलॉन्ग 2000 न्यूटन का टेंशन फोर्स, ए सी के अलॉन्ग 1732.05 न्यूटन कंप्रेशन, और इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आ गई। ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ देयर इज एन अदर क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हो एक कैंटिलीवर ट्रस है। ठीक है, कैसा ट्रस है, एक कैंटिलीवर ट्रस, तो कैंटिलीवर ट्रस दैट इज शोन इन द फिगर एंड वी हैव टू कंप्यूट द फोर्स इन मेंबर्स ए बी बी एज वेल एज डी, ए बी बी ई एज वेल एज डी। ठीक है, इन मेंबर के अलावा हमको क्या करना है, फोर्सेस कैलकुलेट करना है, इन मेंबर के अलावा हमको क्या करना है, फोर्सेस का कैलकुलेशन करना है। ठीक,
सबसे पहले देख लेते हैं जॉइंट मेथड का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जॉइंट ए किसी जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। सो हेड जॉइंट ए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाया हमने, तो ये फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एट जॉइंट ए कितने फोर्सेस लग रहे हैं, जॉइंट ए पे एक एफ ए बी फोर्स लग रहा है और एक एफ ए सी फोर्स लग रहा है। ठीक है, और 1000 एल पी का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो इस जॉइंट के इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, तो जितने भी फोर्सेज एक्स डायरेक्शन में है उसको जीरो करते हैं, वाई डायरेक्शन वाले फोर्स को जीरो करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ए सी साइन 30 इक्वल टू 1000, तो एफ ए सी कितना जाएगा 2000 एल पी इन कंप्रेशन। ठीक, तो एफ ए सी आ गया 2000 एल पी। एफ ए सी कहाँ पर, आई थिंक एफ ए सी की वाला। ठीक है, एफ ए सी ये तो 2000 एल पी फोर्स आ गया। ठीक, 2000 एल पी, देन सिग्मा एफ एक्स जीरो करते हैं, एफ ए सी कॉस 30, एफ ए बी जो है यहाँ पे एफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी 1732.05 एल पी। देन एट जॉइंट सी, एट जॉइंट सी पे इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। जॉइंट सी पे जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व कर लेंगे, उसको जीरो बराबर कर लेंगे, तो एफ ई सी जीरो हो जाएगा। फिर सिग्मा एफ एस जीरो कर देंगे तो एफ सी की वैल्यू 2000 एल बी आ जाएगी। ठीक है, देन जॉइंट बी का एफ बी डी ड्रा करते हैं। तो जॉइंट बी का जब एफ बी डी ड्रा किए तो एफ बी डी एक फोर्स है और एक एफ बी ई फोर्स है, अननोन दो हैं, एफ बी सी जीरो है, 1000 एल बी का ये फोर्स है और एफ ए बी जो है ये है, तो दो अननोन है, तो दो अननोन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वेशन दो होगी, तो दो इक्वेशन और दो अननोन का केस होगा, तो दो अननोन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो सिग्मा एफ वाई जीरो के बराबर करते हैं, तो एफ बी साइन 60 इज इक्वल टू 1000। यहाँ से एफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1154। ठीक, नाउ नाउ फ्रॉम द एफ बी डी ऑफ होल ट्रस एज शोन इन बिलो, तो b इज इक्वल टू 3a साइन 60, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5। हमने जब सारे ट्रस का एफ बी डी ड्रा किया तो एक फोर्स यहाँ पर रिएक्शन फोर्स रहेगा, एक यहाँ पर रिएक्शन रहेगा। ठीक, तो g पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया, g पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने पे हमको RH की वैल्यू मिल गई, और जब RH की वैल्यू मिल गई तो इसी तरीके से FEH की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक, अब एट जॉइंट E ड्रा द एक्टिविटी एट जॉइंट E, तो एट जॉइंट E जो है हमने एक्टिविटी ड्रा किया, तो एक FEF फोर्स है, एक FDE फोर्स है। ठीक, ये दो अननोन है, दो अननोन और दो इक्वेशन बनेगी, तो दो फोर्सेस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लो, उसका सम जीरो कर लो, हॉरिजॉन्टली एफ ई एफ कॉस 60 प्लस 1154 साइन 60 प्लस 2000 इज इक्वल टू 4000। एफ ई एफ की वैल्यू क्या आ गई, 2000 एल बी इन टेंशन। सारे फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए पॉइंट ई पर, तो जब सारे फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व किया पॉइंट ई पर, तो एफ टी ई प्लस 1154.7 कॉस 60 इक्वल टू एफ ई एफ साइन 60, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से एफ डी ई की वैल्यू मिल गई हमको 1154.7 एल बी कंप्रेशन। ओके, अब इस क्वेश्चन को मेथड ऑफ सेक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मेथड ऑफ सेक्शन के क्वेश्चन हम आगे लगाएंगे, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन यहाँ पे ऑप्शनल है। मेथड ऑफ सेक्शन नथिंग बट हम क्या करते हैं, ट्रस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन कट करके। यहाँ हमने सेक्शन कट कर लिया, और जहाँ मेम्बर छोटा है, कम्प्लेक्स पार्ट है, कम कॉम्प्लेक्स है, उसकी एफ बी डी ड्रा कर लिया।
तो इस वाले पोर्शन की अभी भी ड्रा कर लेंगे, ठीक। तो इस वाले पोर्शन की अभी भी ड्रा करके हमको ये वैल्यू वैलिडेट कर लिया हमने कि अब बी की वैल्यू ये वाली चेक हो गया और समरी का यहाँ पे निकाल लिए। ओके ओके थैंक यू। क्या हुआ?